आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सकलेचा परिवार में 3 दिवसीय आत्मकल्याण उत्सव के तहत शनिवार की शाम सागोद रोड स्थित जेएमडी परिसर में संयम संवेदना का आयोजन किया गया। दीक्षार्थी वल्लभ सकलेचा, वर्षा सकलेचा, केजल सकलेचा और समाजजनों की उपस्थिति में संयम संवेदना में संवेदनकार परेश भाई डीसा वाले, संगीतकार केतन भाई देड़िया ने भक्ति संगीत की प्रस्तुतियां दी। उत्सव के अंतिम दिन रविवार के सुबह घास बाजार से दीक्षा धर्म का शंखनाद करती हुई रत्नपुरी की पावन धरा पर दीक्षार्थियों की ऐतिहासिक रथ यात्रा एवं सहवर्षीदान यात्रा निकाली गई। यात्रा में जयकारे के साथ अनेकों साजो सामान को लुटाते हुए सांस्कारिक जीवन से दूर कठिन तप की राह पर चलने का संकल्प लेते हुए दीक्षार्थी शरीक हुए। यात्रा में बैंड, नगाड़े, आदिवासी वाद्य यंत्रों का गूंजता संगीत, आदिवासी नृत्य और समाज बैंड की देशभक्ति स्वर लहरियों ने उत्सव पर चार चांद लगा दिए। रथ यात्रा में गजराज आयोजन के शुभ संकेतों को दर्शा रहा था, वहीं महिलाएं सिर पर मंगल कलश लिए चल रही थी। सकलेचा परिवार के सामाजिक धार्मिक उत्सव पर निकली रथ यात्रा में आचार्य प्रवर्तक श्री नरदेव सागर सूरी जी महाराज शहरवासियों को आशीर्वाद और सानिध्य भी शहरवासियों को उनका मिला। लकवाग्रस्त बीमारी से परेशान 45 वर्षीय युवक ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। खबर के मुताबिक युवक सालाना विकास खंड के ग्राम केदारगढ़ निवासी प्रभु पिता नाथा भावर है, जो पहले भी आत्महत्या के प्रयासों में नाकाम रहा था। प्रभु ने जहर का सेवन उस वक्त किया जब परिजन सोए थे। उल्टी होने पर परिजन उठे और सालाना अस्पताल ले गए, जहां से उसे रतलाम रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। सालाना थाने के एसआई मुकुट सिंह यादव ने बताया, ये इसको 6-7 साल से लकवा है। इसका आधा धर काम नहीं करता था और कोई काम धंधा नहीं कर पाता था। इसने 6-7 महीना पूर्व भी इस कारण से दोनों पीने की कोशिश करी थी, जो इसकी पत्नी ने छुड़ा ली थी। और ये कल परिवार सभी खाना खाए के सो रहा था और ये बाहर निकला। बाहर निकल के आया और गणेश जी जब उल्टी करने लगा घर के अंदर, तो सभी परिवार वाले जग गए। कहना उल्टी कर रहे थे तो उसमें इन लोगों को बदबू दबाई की आई। उस कारण से फिर इन्हें तत्काल सलाना अस्पताल लाए, वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद यहाँ भर्ती कराया। इलाज के दौरान 2 बजे इसकी मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी देते हुए मृतक के भतीजे ने बताया, किसने पैजन खाया, क्या नाम है उनका? मेरे काका ने खाया, प्रभु पापा। क्यों खाया, क्या करा?
वो लखनऊ लखनऊ में थे तो इसकी वजह से उनको कुछ डिप्रेशन थे तो खा लिया उन्होंने। कितने साल से लखनऊ में? 6-7 साल से। क्या करते थे? कुछ भी नहीं पता। शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण परीक्षा के लिए नगर निगम अपनी पूरी तैयारी होना बताती है, लेकिन शहर की पसरी पड़ी गंदगी परीक्षा के परिणामों को अभी से प्रभावित कर रही है। ये तस्वीर घास बाजार क्षेत्र की है, जहां जाम पड़ी नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आकर बह निकला। दूर दूर तक नाली का गंदा पानी बहने से राहगीरों और वाहन चालकों को इसकी गंदगी से गुजरना पड़ा। शहर में व्याप्त गंदगी, जाम पड़ी नालियों ने शहर की सफाई व्यवस्था बिगाड़ रखी है। ऐसे में निगम की स्वच्छता रैंकिंग किस जादू के डंडे से बढ़ेगी, ये समझ से परे है। रक्तदान से जीवन दान होता है, इससे बड़ी कोई मानव सेवा नहीं होती। इसी उद्देश्य को लेकर श्री जांगड़ा पोरवाल समाज और अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मानव सेवा समिति ब्लड बैंक में रविवार को आयोजित शिविर में समाजजनों ने रक्तदान कर मानव सेवा की। समाज विगत 5 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। शिविर में 50 यूनिट रक्तदान कर लक्ष्य पूरा किया। युवा संगठन के प्रतीक पोरवाल ने बताया, ये रक्तदान शिविर अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन गत 5 वर्षों से कर रहा है और ये बहुत अच्छा विषय है कि गर्मी में रक्त की कमी हो जाती है और इसी दौरान टोडरमल जी की जयंती आती है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा अनूठा काम करें। बांगरोड टंकी चौराहे पर गुमटिया लगाकर व्यापार कर रहे व्यापारियों को टंकी तोड़ने के कारण गुमटिया हटाने का पंचायत ने नोटिस दिया। दुकानें हटने से इन व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इन व्यापारियों की मांग है टंकी बनने के बाद इसी स्थान पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें दुकानें दी जाए। इसी मांग पर कलेक्टर को ज्ञापन देने व्यापारी बांगरोड से रतलाम आए। व्यापारी संजय पाटीदार ने बताया, संजय पाटीदार ग्राम बांगरोड से आए हैं हम सभी लोग बांगरोड में टंकी चौराहे पर व्यापारी संघ से हैं। सभी व्यापारी हैं, निम्न स्तर के व्यापारी हैं और टंकी चौराहे पर गुमटियां रख के विगत 20-22 वर्षों से अपना व्यापार कर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन विगत कई दिनों से ग्राम पंचायत बांगरोड परेशान कर रही है। कभी नोटिस देती है, कभी हटाने का वो, कभी ये। तो विगत 1 माह पूर्व PHE से मैडा साहब ने कहा था कि पानी की एक टंकी है वहाँ, उसको डिसमेंटल के लिए इन्होंने ऑर्डर मांगा था। तो PHE से मैडा साहब ने कहा था कि अभी इसकी क्षतिग्रस्त अवस्था में यह नहीं है, तब इसको डिसमेंटल करना उचित नहीं है, लेकिन एक ही माह में वह डिसमेंटल करने लायक हो गई। और कल शाम को हम सभी व्यापारियों को नोटिस दिया गया कि आप अपनी गुमटियाँ यहाँ से हटा लें, अन्यथा 12 तारीख को 2 बजे तक आपकी गुमटियाँ, आज दिनांक 12 तारीख को 2 बजे तक आपकी गुमटियाँ जो है अगर आपने नहीं हटाई तो मशीनों द्वारा तोड़ दी जाएगी। तो हम लोग सब मिलके कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं कि भाई हमारे साथ उचित न्याय किया जाए, कि हम गुमटियाँ हटाने के लिए तैयार हैं, डिसमेंटल करें टंकी, हम सब व्यापारियों को कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन डिसमेंटल करके उसी जगह पर अगर दुकान निर्माण करके लागत मूल्य में हम लोगों को आवंटित करें तो हम अपना व्यापार व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। सैलाना बाईपास रोड पर स्थित खेत से 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली 7 मार्च को चोरी हो गई। फरियादी यशवंत गुर्जर ने चोरी की रिपोर्ट सैलाना थाने में की थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी आनंद सिंह पवार निवासी आक्या जिला मंदसौर, बाबू उर्फ महेंद्र सिंह निवासी ग्राम दिवेल लखन डिंडोर तथा दीपक उर्फ गोपाल धाकड़ को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने चोरी कबूल की। पुलिस ने चोरी किए ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने मीडिया को बताया, सैलाना थाना पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है जो लगातार विगत कुछ दिनों से, इनफैक्ट 2-3 महीने से रतलाम में ट्रैक्टर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। इनसे वर्तमान में अभी जो पूछताछ हुई है, कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें हमारे कब्जे में आया है।
इनसे और भी पूछताछ हो रही है और इनका जो मोडस ऑपरेंडी उसको देख के लग रहा है कि आसपास के क्षेत्र में, इनफैक्ट आसपास के जिलों में भी ट्रैक्टर चोरी से संबंधित अन्य वारदातों में भी इनका हाथ हो सकता है। उसमें सघन अन्वेषण चल रही है और शीघ्र और भी खुलासे मिलेंगे। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं वो काफ़ी कम एज के हैं, टीन एज के हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो आरोपी हैं, जनरली इनमें से दो तीन लोगों का ये बैकग्राउंड है कि ये किसी केटरिंग के सर्विस में काम कर रहे थे और केटरिंग के बहाने आसपास के क्षेत्र की रेकी कर रहे थे। वहाँ पे उस क्षेत्र का मुआयना करके ये समझ लेते थे कि कौन से ट्रैक्टर पे हाथ साफ किया जा सकता है, और ऐसे लगभग 3 से 4 इनके द्वारा अभी तक रिकॉर्ड किए गए। इनफैक्ट इनके द्वारा जिनको बेचा जा रहा था वो भी 25 से 30 साल की एज ग्रुप का उसका आ रहा है, जो आगे का ये ट्रैक्टर खरीद के सस्ते दामों में खरीद के उसको या तो आगे बेच देता था या कल पुर्जे उसके निकाल के फिर उसको बेचने की तैयारी में था। तो इनका इसी तरह का बैकग्राउंड है और इनफैक्ट इनके अन्य जो साथी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है कि जो यदि इससे अपराध से संबंधित हुआ। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने रतलाम प्रेस क्लब भवन पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में गर्व प्राइड अवार्ड्स भी दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्याम सुंदर शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के मुख्य कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष दीपक जैन, लखन गहलोत, विशेष अतिथि कांदेलाल झांझेड़, महेंद्र गाधिया ने किया। कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं से उपस्थित श्रोताओं को गुदगुदाया। मुझे मेरे हिस्से का बस प्यार दे देना, जो बनता है ये मेरा अधिकार दे देना, अधिकार दे देना, इस धरा पे मुझको अंतिम संस्कार दे देना, इस धरा पे मुझको अंतिम संस्कार दे देना। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।